हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अगर एक भी अच्छा हैक मिल गया, वीडियो उसी टाइम एंड हो जाएगा। अब डर इस बात का है कि कहीं वीडियो 3-4 घंटे के ना बन जाए, क्योंकि मुझे 3-4 घंटा बैठने की आदत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्तन से आज ये कमाल की चीज बनाएंगे। इस कांच के जार को उल्टा रख कर इसके आसपास ग्लू की लाइन बनाकर इसे सीट से कवर करने के बाद छोटे छोटे 4 बलून फुलाकर इसके चारों साइड चिपकाते हैं और इस मोल्ड से इसे लॉक कर देते हैं। अब इस मोल्ड के अंदर हमें सीमेंट को डालकर इसे ऊपर तक फिल करना है। इस मोल्ड को खोलकर इसे बाहर निकालते हैं और इसमें लगे बलून को धीरे धीरे हटाने के बाद इसे फाइनल टचिंग देते हैं। आप लोगों को मम्मी के हाथ के दाल चावल पसंद है या फिर लौकी की सब्जी, वीडियो को एक लाइक करने के बाद जरूर बताना। ये तैयार है सीमेंट से बना मछलियों का सुंदर सा घर। कांच तोड़ के पैसे बर्बाद करने से अच्छा है चलो। 30 सेकंड इसने मेरे खराब कर दिए। 30 सेकंड, अबे मतलब किसी को एक्वेरियम चाहिए तो आप इतना चोचला घर पे करोगे? अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर आपको एक्वेरियम चाहिए होगा तो आप क्या ऐसे चूतियापा करोगे कि जाके दुकान से खरीद के लेके आओगे जो शीशे वाला एक्वेरियम होता है? मतलब ये नहीं होता कि एक कांच के अंदर तुम मछली को डाल दो, उसके अंदर मशीन भी लगती है जो कि पानी को फिल्टर भी करता है, और बड़ा एक्वेरियम चाहिए होता है जहां पे मछली स्टे कर सके, घूम फिर सके। पत्थर वत्थर होते हैं जो सजाने के लिए होते हैं। अब इतने छोटे से एक्वेरियम के अंदर मछली को नहीं डाला जाता। इसका कहने का मतलब ये है कि बस तुम मतलब कुछ भी कर दो, हग दो। क्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम हग दो और उसको कह दो कि आप उसको ऐसे ऐसे डिजाइन कर दो, लाइफ हैक बन गया, क्राफ्ट बन गया। कुछ भी मतलब एक अच्छा सा ढंग का तो कुछ बता दो भाई। पेंट की चेन का हैंडल टूट जाए तो हमें बैठ के रोना नहीं है, हमें रोना नहीं है। मैं बताता हूँ ये क्या बताएगा। देखो ये बताएगा, अगर आपकी शादी में अगर आपको शादी में जाना है, पैंट की चेन टूट जाए, तो भाई सिंपल सा है कि पैंट उतार के दूसरी पैंट पहन लो, है ना। शादी में जाना जल्दी में हमेशा इंसान रहता है, इंसान यही करेगा ना, शायद यही बोलेगा। अब इसकी ये वाले पार्ट में रंगीन ब्लू को फिल करना है। बस याद रहे इसे ज्यादा मत डालना वरना काम बेकार हो जाएगा। आपको इतनी अच्छी जुगाड़ बताइए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। 20 मिनट चलो अच्छा ठीक है, बाई चांस आपको ये हैक अच्छा लगा, ठीक है, मुझे तो घटिया लग रहा है क्योंकि मेरे घर पे ये क्लिप है नहीं। अब नॉर्मली अगर किस बहुत ही कम लोगों के घर पे क्लिप होगा। अब अगर मेरे पैंट की जिप खराब हो जाए, टूट जाए, तो मैं बगल वाले किराने के दुकान पे जाऊँ भाग के, वहाँ से क्लिप खरीद के लेके आऊँ, फिर घर पे आऊँ, फिर भूल जाऊँगा कि यार मेरे घर पे ग्लू भी नहीं है, फिर दोबारा भाग के जाऊँ ग्लू भी लेके आऊँ, फिर उसको इस तरीके से लगाऊँ और उसके बाद सूखने के लिए रख दूँ कुछ देर के लिए। अब मुझे ये बताओ कि इंसान जब भी शादी में जाता है तो उसके पास कितना वक्त होता है? अगर शादी में 9-10 बजे जाता है, 11-10:30 बजे तक जाता है मोस्टली जो टाइम होता है, ठीक है, और क्या 7 बजे से थोड़ी ना तैयार होना चालू कर देता है? जब भी तैयार होता है वो एट अ पीक टाइम पर तैयार होता है कि हाँ अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सारा काम निपटा लिया है, उसके पास 10-15 मिनट है, उसी 10-15 मिनट के अंदर उसको तैयार होना होता है। अब ये भाई साहब जो बता रहे हैं कि तैयार हो जाता है, इस तरीके से बनी चेन हैंडल को पकड़ने में बड़ी आसानी होती है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। शादी में एक हैक मैं बताऊं भाई, अगर ऐसा हो जाए ना तो पैंट को चेंज कर लेना, ये चूतियापे के चक्कर में बिल्कुल मत जाना। भारी इयररिंग्स पहनकर दर्द होता है तो चलो दर्द से बचने के लिए कुछ नया बनाते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का पेपर लेकर आपको ग्लू गन से दो छोटे भारी भाई साहब, लड़कियां जब तक 1 किलो का ये इयररिंग्स ना पहने ना, तब तक उनको लगता नहीं कि कुछ पहन रखा है उसने। कभी उठा के तौल लेना, वो इयररिंग्स ना वो डंबल के काम करती हैं, और तुम बता रहे हो कि हल्का करने के लिए, और ये जो तुम बता रहे हो ना कि आप क्या बताएगा ग्लू व्लू बताएगा कुछ करने के लिए। अब इयररिंग्स के तार को इन सर्कल में आधा घुसा कर सेट करने के बाद अपनी पसंद के स्पार्कल डालकर इन्हें 2 घंटे अपनी पसंद का स्पार्कल मतलब कुछ भी बता दो, ऐसा ग्लू लेके आ जाओ उसकी फिनिशिंग। भाई यार लड़कियां जब तक 1000-2000 रुपए खर्चा ना करें ना इयररिंग्स पे बाहर से खरीद के, तब तक वो इयररिंग्स मतलब कोई मतलब ही नहीं है। और तुम क्या सोचते हो अगर तुमको अंगूठी पहनना है, ठीक है, तुम क्या पेपर की अंगूठी निकाल बना के पहन लेते हो क्या? नहीं ना, बाहर से खरीदने जाती हो ना। तो भाई अब ऐसे अगर ये इयररिंग्स वाले को पता चल जाए, ज्वेलरी वाले को पता चल जाए, उनकी तो दुकान ही बंद हो जाए जो तुम यहाँ पे हैक बता रहे हो। के लिए सूखने देते हैं। तरबूज के ऊपर के हिस्से को काट कर इसे खोखला करने के बाद साइड में रख देते हैं। दूसरे तरबूज को चाकू से काट कर इसके 2 हिस्से करने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डालकर इन्हें 1 मिनट तक पीसना है। अब जो भी इसका जूस बनके तैयार हुआ है इसको निकालकर सबसे पहले वाले तरबूज में डालकर इसमें 1 चम्मच जेली मिलाकर इन्हें फ्रिज में 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हमारे इंडिया के फ्लैग में 3 कलर होते हैं या फिर 4, पता है तो वीडियो को एक लाइक करना। 4 घंटे बाद लो रेडी है तरबूज और जेली से बनी टेस्टी आइसक्रीम। गोबर उमर खा रहा है क्या सुबह शाम ये? अभी
चलो सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आपको एक तरबूज खाने का मन कर रहा है, ठीक है, एक तरबूज, तो आप क्या करोगे? उसको काटोगे, पीटोगे? भूख नहीं, आपको खाने का तभी मन करता है ना जब इंसान को भूख लगती है। अब जब उसका पेट भरा हो तो ऊपर से क्या तरबूज थोड़ी ना खाएगा ना, मतलब उसको भूख लगी है, तरबूज काटा खोला, अचानक से याद आ जाएगा उसको कि यार वो वाला क्राफ्ट जो था, वो वाला हैक था, जो वो वाला जो हैक था उसको किया जाए। तो भाई काट के 4 घंटे के लिए उसमें जली डाल के सुखाया जाए उसको, भाई फ्रीजर में डाला जाता है उसको, फ्रीज में नहीं डाला जाता, फ्रीज में कोई चीज जमती नहीं है। अब कोई इंसान इतना वेट क्यों करेगा? बाजार में मिलने वाली ये सभी आइसक्रीम खाकर आप लोग क्या बोर हो चुके हो? तो चलो इस अच्छा आइसक्रीम बनाने वाली ट्रे में इन सभी डंडियों को सेट करने के बाद ये रंग बिरंगी खाने वाली पट्टी को इस ट्रे के अंदर कुछ इस तरह से तोड़ तोड़ कर सेट करना है। इसके बाद सोडा डालकर इसे पूरा भरते हैं। वैसे आप लोग सोडे की जगह इसमें अपनी पसंद की कोई भी कोल्ड ड्रिंक डाल सकते हो। आपको घर पर बनी आइसक्रीम पसंद है या बाजार वाली, वीडियो को लाइक करने के बाद जरूर बताना। लो तैयार हो गई रेनबो वाली ये तो वही वाला हो गया। मैगी बनाओ, फैंटा डाल दो उसमें, आइसक्रीम में सोडा कौन डालता है यार? चूतिया पागल वागल है क्या ये? गोबर खा रहा है ये? आइसक्रीम में कौन डालता है सोडा बता दो। अब मतलब बच्चे जाएंगे फिर वहां से कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाएंगे, स्प्राइट डालेंगे, कहेंगे उसके अंदर भी सोडा है। अबे भाई 30 रुपए की 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लाओगे उतने में बढ़िया आइसक्रीम आ जाएगी, पेट भर जाएगा, मजा आ जाएगा। आइसक्रीम जिसे इस तरह चाटने में, ₹25 वाले इस तरबूज की एक छोटी सी स्लाइस काट कर इसे सीधा रखने के बाद इसके अंदर का सारा माल निकाल कर तरबूज के 25 रुपए का तरबूज। भाई अब मुझे नहीं पता तरबूज 25 रुपए का मिल रहा है, मार्केट में मैं जाऊं ये पूछने कि मुझे 25 रुपए वाला तरबूज चाहिए। अगली जगह में एक कटोरी वही है जेली वाला। दुनिया की 3 सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें और आखिरी वाली तो आपके पास पक्का होना चाहिए। नंबर 3 पर है ये कन्वर्टेबल स्केटिंग शूज जिन्हें आप कन्वर्टेबल स्केटिंग होना चाहिए। मुझे कसम से बताना, सही बताना, ये क्या आपको स्केटिंग करना आता है? नहीं, एक भी बंदा नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ जिसको स्केटिंग करना ही नहीं आता वो ऐसा जूता क्यों लेके आएगा भाई? मतलब ये कह रहा है कि ये होना चाहिए आपके पास, आपको शादी में जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप स्केटिंग वाला जूता पहनो, गाड़ी वाड़ी फेंक दो, आग लगा दो और भाग जाओ स्केटिंग से करते करते। शादी में तुम खाना मत खाओ, स्केटिंग करो वहां पे बैठ के। अरे आप स्केटिंग करने के बाद जूतों के पीछे लगे एक बटन को दबाकर इसे नॉर्मल शूज में बड़े मजे से कन्वर्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अगर ट्रेन लेट हो जाए तो इस ट्राली बैग का लाल बटन दबाकर ट्राली बैग को आप छोटे से स्कूटर में कन्वर्ट करके पूरे स्टेशन पर यहाँ वहाँ घूमते हुए हमारे रेलवे के पुलिस वालों को पता चल गया ना ये क्या बता रहा है भाई? दौड़ा के बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा, मतलब फालतू में। अब मैं यहाँ पे ट्रॉली वाला बैग खरीद लूँ जिसके अंदर स्कूटर है और मैं उसके बाद उसमें बैठ के घूमू, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन? कुछ भी भाई, मतलब। और वो भी क्या कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पे आप घूम सकते हो? अबे भाई पागल वागल है क्या ये? थोड़ा से पार्क वार्क बंद हो गया सब, पार्क वार्क बंद करवा दे, यहाँ पे पार्क में ना घूमे आदमी, यही रेलवे स्टेशन में चलो भाई। कहा आज हेलो, आज चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन घूमने। भाई साहब पागल वागल है ये। आपके टूथब्रश को आपके अलावा छिपकलियां भी कुछ इस तरह से यूज करती हैं। इस समस्या से बचने के लिए छिपकली भी यूज करती है? नहीं एक सेकंड में देख के आता हूँ। 1 hour later नहीं यूज करती भाई, नहीं यूज कर रही। उनके पास दांत है। आपको अपने टूथब्रश को उठाकर सबसे पहले इसके ऊपर एक पेपर को लपेट कर इसे ऊपर साइड से पूरी तरह से क्लोज करना है। इसके बाद टूथब्रश के ऊपर ग्लू गन से जिगजैग लाइन बनाते हुए इस तरीके से इसे पूरी तरह से कवर करते हैं। अगर और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। सही बताना, जब भी टूथब्रश अगर आपने खरीदा है जिंदगी में उसके ऊपर वो कैप नहीं मिलता है तो भाई वो किस लिए देते हैं? कहीं और डालने के लिए देते हैं क्या? अभी तुम बता रहे हो कि पेपर से फोल्ड करके उस पर ग्लू बना दो। भाई ये बता दो, ये पेपर वाली चीज जो रहती है वो बाथरूम में टिक पाएगी? कोई भी पेपर की चीज बाथरूम में टिक पाएगा? ब्रश करने के बाद आपका ब्रश जो होता है वो गीला हो जाता है, उसमें फिर से डालोगे वो भीग जाएगा पूरा। मिक्सर का यूज करोगे तो ये काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तैयार पाउडर को इसमें डालकर थोड़ा शहद और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर इन सभी को गर्म करना है। इस तैयार पेस्ट को लकड़ी के मोल्ड में डालकर इसे थोड़ा सुखाते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। लो तैयार है गुलाब से बनी नेचुरल लिपस्टिक जो आपके होंठों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लैक्मे और कौन कौन सी कंपनी आती है जो लेडीज की वो रहती है? मेबेलिन। मतलब अगर इनको पता चल गया ना भाई तुमको दौड़ा के मारेंगी, जो तुम हैक बता रहे हो यहाँ पे ये।
और भाई ये बताओ, जो लिपस्टिक जो होते हैं ना, वो उसके बाद घर आके कहीं इंसान जाता है ना, तो 24 घंटे तो लगाया नहीं रहता है, पहला चीज। अब ठीक है, अब क्या होता है, जब इंसान बाहर से आता है ना, जब लड़की बाहर वाहर से आती है, लिपस्टिक से कहीं लगा के गई, तो लिपस्टिक लगा के अंदर आई, तो भाई वो पोछते हैं तुरंत, और ये चीज जो बता रही है, उससे अगर ना छूटा तो। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, हर कोई बात नहीं यार, हम तो इसे देखेंगे। एक ट्रायंगल शेप के पेपर को मोड़कर इसकी ट्रायंगल शेप के पेपर को मोड़ के गोल बनाना है और उसको ले लेना है। पेंसिल लेकर इसको शार्पनर से छील कर इसके कचड़े को इकट्ठा कर लेना है। अब हमें एक ढक्कन लेकर पेंसिल की छीलन को ढक्कन के ऊपर रख कर कुछ इस तरह से सभी को एक एक करके अच्छी डिजाइन में जमाना है। अब थोड़ा सा इस ढक्कन के ऊपर एपॉक्सी रेजिन को डालकर अच्छी तरह से इसे कवर करते हैं। जब तक इसे हम थोड़ी सी यूवी लाइट दिखाते हैं, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो। कौन सा केमिकल बताया मैं समझ नहीं पाया, पहला। दूसरा चीज ये भाई, यूवी रेज का किसके घर पे यूवी रेज रखा है? अब तुम ये वीडियो किसके लिए बना रहे हो, अंबानी अंबानी के लिए या डॉक्टर डॉक्टर के लिए बना रहे हो क्या? यूवी रेज कहाँ से लाए ये बता दो मुझे। अब तुम ये वाली माचिस घर में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है? थोड़ा भाई ध्यान से देखना, इस माचिस को खोल के इसकी एक तीली को निकाल के इसके टॉप से थोड़ा सा नीचे ग्लू गन से एक रिंग बनाकर सभी तीलियों को माचिस में रख ले। ये वही चीज है क्या? मतलब जो भी चीज मिली उसको चुलोती है अपनी गांड में ले ले। इतनी मेहनत करने का फायदा ये होगा कि कभी भी आपकी कोई चीज टूट जाए तो बस आपको एक माचिस की तीली को जलाना है, जिससे ग्लू की रिंग पिघल जाएगी और इस ग्लू से टूटी हुई चीज को आप इन गोरी मैम की तरह। अबे ऐसा ना करे कि, अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि वो ग्लू को हम डायरेक्ट अपने पास हर जगह बैग के अंदर रख के लेके चले, कोई भी चीज टूट जाती है भाई। अगर कोई भी चीज टूट रही है, ठीक है, सोचो तुम गए मैकडी में, ठीक है, मैकडी गए, डोमिनोज गए पिज्जा खाने, बर्गर खाने। अब होता क्या कि वहां पर तुम्हारा चश्मा जो है टूट गया, तो वहां पर तुम क्या करोगे, जेब से माचिस निकालोगे, ऐसा जलाओगे, और उसके बाद जो तुमने गोंद लगाई उस पर चिपकाने वाले इसको पिघलाओगे, चश्मे पर लगा के पहन लोगे, और डोमिनोज के वहां पर जो काम करने वाले होते हैं वो लोग तुमको देख के ताली बजाएंगे, उठा के फेंक देंगे, 40 जूते अलग से पड़ेंगे अंदर, जो तुमने माचिस भी जला दी। तो मतलब ऐसा कोई ढंग का चीज है जो बता सकते हो भाई? इससे अच्छा ये बता दो, अगर तुमको ग्लू का जो पैकेट था वो तुम उसको लेके चलो साथ में, अगर तुमको लग रहा है कि मैकडी उसी जगह पे बाहर जाओगे तुम्हारा चश्मा टूट जाएगा, तो भाई जब तुमको पता है तो ग्लू से चिपका लेना वहीं पे खड़े होके। क्या रबड़ वाली चप्पल आपको पहनना पसंद नहीं है? अरे हाँ भाई हाँ, टोटल रबड़ वाली चप्पल। नहीं भाई, मतलब जहां तक मुझे पता है कि रबड़ की ही चप्पल आती है, और कोई चप्पल आती है क्या? रबड़ की ही तो चप्पल आती है यार, हर जगह 15 आइसक्रीम की डंडियों सब वही पहनते हैं। 3 डंडियों पर ग्लू लाकर इन्हें आपस में चिपकाते हैं। अब अपने साइज का जूता रखकर डंडियों की अच्छे से कटिंग करने के बाद चप्पल वाले 3 छेद करते हैं। जब तक ये भाई साहब इसमें रस्सियों को फिट करते हैं, तब तक आप लोग प्लीज इस लाइक बटन को एक बार दबा देना। फाइनली तैयार हो गई आइसक्रीम की डंडियों से बनी इको फ्रेंडली चप्पल, जिन्हें पहनकर आप अपने घर में यहाँ वहाँ डोल सकते हो। क्या रबड़ वाली चप्पल आपको पहनना पसंद नहीं है? अरे हाँ भाई हाँ, बताओ। अरे मिट्टी के बर्तन के चारों तरफ एक जाली की डिजाइन वाला कपड़ा लपेट कर इसे कवर करना है। इसकी डिजाइन बनाने के लिए इसके ऊपर हमें मिट्टी की एक लेयर्स को चढ़ाना है। इसे पहिए पर रखकर घुमाते हुए इसकी लेयर्स की मोटाई को लेवल में करने के बाद इस जाली वाले कपड़े को निकालते हैं। तब तक आप लोग इस लाइक वाले बटन को प्लीज एक बार दबा देना। फाइनल डिजाइन देने के बाद इसके ऊपर अपनी पसंद का कोई भी एक कलर करने के बाद लो तैयार हो गया सुंदर सा कप, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। मिट्टी के बर्तन के चारों तरफ एक जाली की डिजाइन वाला कपड़ा लपेट कर इसे कवर करना है। इसकी डिजाइन बनाने के लिए इसके ऊपर हमें मिट्टी की एक लेयर्स को चढ़ाना है। इसे पहिए पर रखकर घुमाते हुए इसकी लेयर्स की मोटाई को लेवल में करने के बाद इस पैसे बचाने वाली जुगाड़, इसको क्या बोलते हैं, जो मिट्टी का जो खिलौना बनाते हैं, मिट्टी का कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, तो जो बनता नहीं वो चरखी होता है, चरखी में ऐसे गोल गोल घुमाते हैं उसको, है ना, समझ गए आप? उसको चलाने आता है आपको, चलाने आता है, और कौन सी मिट्टी लगती है उसमें आपको पता है? हाथों को जोड़कर धीरे से मोल्डिंग के लिए में डुबाकर 5 मिनट तक इसी पोजीशन में रखना है। बस एक बात ध्यान रखना, हाथों को एक साथ बाहर नहीं निकालना है, बल्कि एक एक करके धीरे धीरे हाथ बाहर निकालना है, जिससे मोल्डिंग के अंदर बनी डिजाइन बेकार ना हो जाए। बाल्टी को उल्टा करके तैयार हो चुके मोल्ड को बाहर निकालकर व्हाइट सीमेंट के पेस्ट को पूरी तरह से ऊपर तक भरना है। सूखने के बाद मोल्ड को तोड़कर धीरे धीरे हटाते हैं। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज। रेडी होने के बाद थोड़ी ये अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे ना ये मोल्डिंग वाला बनवाने, ठीक है, ये जो निब्बा निब्बी बनवाते हैं अपने लिए, अगर आप दुकान भी जाओगे ना तो सेम ये प्रोसेस करता है, तो ये लग रहा है कि हाँ ये एक अच्छी चीज है।
फाइनली एक अच्छा क्राफ्ट मिला है जो कि लग रहा है कि यूजफुल हो सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर से बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।